नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त हम पहुंचे हैं पानीपत के वार्ड 9 में, जहां पर परमहंस कुटिया के साथ लगती ये गली है, जहां पर यहां के स्थानीय जो लोग हैं उनके कई दिनों से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि उनकी कई समस्याएं हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या है और कौन इनके किन किन से ये मिले हैं और कौन इनकी सुनने वाला नहीं है। सर, क्या कुछ समस्या है यहाँ? समस्या सारी है, पानी नहीं है, सही ढंग से आता है, दो साइड से पानी आ रहा है, शहर से अंदर से, जो ऊपर से किले से पानी आता है वो बिल्कुल आता ही नहीं है, और इधर से नीचे से पानी आता है, कभी गंदा आ जाता है, कभी साफ पानी तो आता ही नहीं यहाँ। और सड़कों का हाल देख लो, क्या हाल हो रहा है, सड़कों का पानी नहीं मिल रहा, पानी का तो कोई टाइम नहीं है आने का, कईयों का पानी आता है, कईयों को आता ही नहीं है। अब बताओ क्या करें, किसको वोट दें? ये बीजेपी वाले आते हैं, वोट देख के बड़े भाग जाते हैं, कोई अभी तक एम सी आए एक नज़र नहीं आया यहाँ, भाई एम सी भी आ जाए यहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है लोगों के लिए साथ में, क्या नहीं हो रहा, उसका फायदा क्या एम सी चुनने का इसको नारंग को? आप गए हो कभी नारंग? मैं कभी नहीं गया, क्या करें जाके, जब सुनवाई नहीं है तो फायदा क्या जाने का? और बोलो। तो देखिए, वार्ड 9 में इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां पर कई समस्याएं इन लोगों की, क्या क्या समस्या है जी? एक तो गली बिल्कुल खराब है, निकलने चलने का नहीं, एक लैटिन जितने भी लैटिन के ये बने हुए हैं ना, ये सब बाहर आती है, कोई पाइप में नहीं, सारे पाइप बंद हैं। और पानी सुबह एक टाइम देते हैं 24 घंटे में, वो भी 15-20 मिनट, वो एक चूड़ी खोलता है उसमें कभी भरता कभी नहीं भरता, हम बाहर से भरते हैं। यहाँ पे भैया हम अशोक नारंग भाई साहब के पास गए हैं, नगर निगम में मैंने एप्लीकेशन जाके दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अशोक भाई साहब को इस चीज़ के लिए कई बार बोला, उन्होंने एक बार भी आके यहाँ पे झांका तक नहीं है कि आके देखें आकर कि भाई यहाँ क्या हो रहा है लोगों के साथ। सड़कें जगह जगह से ऐसी टूटी पड़ी हैं, लोग आते जाते गिर जाते हैं, बाइकें आती हैं वो गिर जाती हैं, बच्चों के रास्ते बच्चों को चोटें लग जाती हैं, मक्खी मच्छर इतने दुनिया भर के हुए पड़े हैं, अभी वायरस का इतना ज़्यादा हुआ, हमने उनको यहाँ पे कहा कि भैया यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह करवा दो, कोई मतलब नहीं, सैनिटाइजर वगैरह कुछ भी करवाने का कोई मतलब नहीं है। वार्ड तो किया गया था सैनिटाइजर, बड़ी मुश्किल से बोल बोल के हमने कई बार बोला है, तब जाके थोड़ी सी जगह में आगे आगे जगह पे इन्होंने सैनिटाइजर, अभी कुछ बता रहे हैं यहाँ पे कोई सुनाई नहीं। हमने सबको फोन करा, एक एक अवनीत कौर को कर दिया, प्रमोद बिरिज को भी करा, सबको फोन करा, सब अपने अपने मजे में है, वोट लेने आते हैं, काम कोई नहीं करता। विकास सबसे ज्यादा पानीपत में हुआ है, हमारी गली में तो कोई भी नहीं हुआ, दिखा दो, जहाँ पे इनका वोट पूरी मिल जाती है वहीं का विकास रातों रात हो जाता है, हमारी गली का कभी नहीं हुआ। हमने कितने साल हो गए सड़कों को देखो, पानी का भर जाता है, बरसातों में बहुत बुरा हाल, और जगह जगह में गड्ढे इतने हो रहे हैं कि लोग गिरने लग गए हमारे। अब बताओ, दो बार तो मेरी कोहनी टूट चुकी है, दो बार मेरा पैर टूट, क्या करे बताओ, पर सबको फोन करा भाई साहब, जितने भी बीजेपी के नेता है सबको फोन करके हमने देख लिया, कोई काम नहीं कर रहा। नेता ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा काम जो है पानीपत में इस बार हुआ है, गलियां बनी हैं, पानी पीने का जो है स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, ये उनके मल्ले में हुआ है, हमारे मल्ले में नहीं हुआ, उन्हीं के मल्ले में हुआ, हमारे मल्ले में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ इस गली का, कुछ नहीं, पानी का वो मकान सारे क्रैक हो गए हैं, कुछ नहीं सुनाई हमारी गली के कोने पे ढेर लग रहा है, दुनिया भर का ढेर लग रहा है, दुनिया भर का ढेर लग रहा है भैया गली के कोने पे, आने जाने वालों को शर्म आती है, हमें आने जाने में शर्म आती है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये सबसे बड़ी समस्या तो पहले है कि जो सीमेंटेड की जगह इन्होंने ईंटें बनाई हैं, ईंटों वाली सड़क बनाई है ना, उससे समस्या ज़्यादा है, उन्होंने सिर्फ मिट्टी डाल के ऊपर ईंटें लगा दी गई थी, उसके बाद ना सीमेंट डाला गया है, ना कोई भी उसके नीचे डोरी डाली गई है, ना कुछ भी नहीं किया गया, तो उसके कारण सारा पानी उसके अंदर जा रहा है, वो उनकी नींवों में जा रहा है, उसके कारण सारी ये निकासी व्यवस्था तो यहाँ ठीक है, बाकी सीवरेज पुराने हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं 50 साल पहले बने थे, 45 साल पहले, अब उसके बाद उसको रिपेयर नहीं किया गया। किसी से मिले हो, किसी नेता से? नहीं, किसी से हमने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बाकी अब ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसलिए। तो बगैर किसी को क्या पता, जब आपकी कोई समस्या है, जब किसी से मिलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? लेडीज़ कह रहे हैं कि हमने कंप्लेंट की है, हम नगर निगम में भी गए हैं, और क्या बात है।
लेडीज इकट्ठी होके कई बार गए हैं ये गली की के पास नारंग के पास गए कई मतलब लेडी इकट्ठी होके गई, शिकायतें करी हैं उनको कि कभी जमादार की समस्या से गए हैं, कभी पानी की समस्या से गए हैं, पर सही हुआ नहीं कुछ भी। यहाँ कह रहे हैं इस सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, हमें तो ये जो मकानों में चीर आते जा रहे हैं, मकान के चीरों के कारण हम लोग सभी बहुत परेशान है। कोई भी मकान ऐसा नहीं है जिसमें चीर ना आए पड़े हों, जो चीर ना आए पड़े हों। ये जो सीमेंट की ये सड़कें जो बनी है ना ईंटों की, ये सारा पानी नीचे रिसता रहता है और सारे मकान में तकड़े आई बड़ी है, नया मकान है आपको मैं दिखाती हूँ ऊपर जाके सारा। कारण क्या है? कारण ये पानी की निकासी नीचे, पानी पहले भी काफी लंबे समय से समस्या है। हाँ जी, ये तो किले पे भी आई है, यहाँ भी आई, सारी मतलब क्रैक हो रहे हैं। कोई मकान नहीं बचा है जो क्रैक। अब क्या करोगे? इधर आके देखो भैया, इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप देख पाओ, सिर्फ हमारे बताने वाली बात नहीं है। आप देखो यहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आओ आप आके देखो उधर, आओ आप सब आओ। तो देखिए वार्ड 9 में इस वक्त हम पहुंचे थे जहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, इसलिए काफी समय से ये लोग जो है फोन कर बता रहे थे कि इन्हें काफ़ी समस्याएं हैं, नेताओं से अधिकारियों से मिलते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, जिसके बाद आज हम यहां पर पहुंचे हैं। काफ़ी समस्याएं इन लोगों ने बताई है, नेताओं से ये मिल चुके हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कुत्ते इतने होते हैं यहाँ पे गलियों के अंदर, काट खाते हैं, गंदगी घर के आगे लैटरिंगें पड़ी रहती हैं, समझ नहीं आता हम कहाँ से साफ कराएं। जमादारनी को भी बोलें तो कहाँ कहाँ से उठाने के लिए बोलें, हम बहुत दुखी हैं। ये सारा मोड़ सब खराब है यहाँ का, आप अंदर आके देखिए, उधर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये देखो इधर सारा, ये देखो सारा, इधर सारा बिल्कुल, ये सारा देखो भैया, सब यहाँ से सब ये खराब है यहाँ से। हम एक जगह से कहाँ दिखाएंगे आपको, पूरा खराब है, पूरी सड़क खराब है इधर, आप इधर और आइए हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए वार्ड 9 में इस वक्त पहुँचे हैं, महिलाओं में जो है नेताओं के खिलाफ भी रोष जरूर है क्योंकि नेता इनकी सुनते नहीं है, वोट के समय केवल इनके पास आते हैं। भाई सबको बोल बोल के थक गए हैं हम, अशोक भाई सबको इतनी बार बोला है लेकिन कोई नहीं सुनते। ये देखो इधर, ये ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, ये जो गलियों में गड्ढे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी आता है कई बार नहीं आता है, आता है तो कम समय के लिए पानी आता है, गलियां टूटी फूटी हैं। आप ये कह रहे हो ना कि देखो नेता लोग ये करते हैं, देखो ये हाल है, नेता लोग ये काम करते हैं, देखो ये इस तरह से ये हुआ हुआ है नेताओं का काम। तो वो नेता लोग इन गलियों से नहीं आते, ये आता ही नहीं, कोई झांकता ही नहीं आकर, कोई आने को यहाँ पे राजी नहीं है, और सिर्फ ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ से कितने निकलने की जगह, आपके पीछे आएगी सर, बात ये है जहाँ से इनको पूरे वोट मिलते हैं वो रातों रात वहाँ की सड़कें बन जाती है, और हमारे यहाँ की रातों रात सड़क कोई नहीं। वोट लेने के समय इन गलियों से ही तो आते होंगे, आते हैं तभी कहते कर देंगे, फिर उसके बाद कोई नहीं होता, कोई नहीं आता फिर उसके बाद, कोई शक्ल नहीं। उस समय नहीं आप बोलते, क्यों नहीं बोलते हैं तब भी, हम तो सीधा कहते वोट मांगने मत आए करो हमारे पास, मैं तो साफ कहती हूँ वोट मांगने मत आए करो, जब आप आते नहीं, एक बार गली की शक्ल तो देखो, आपने अपने मोहल्ले से ही करे, वो तो फिर आएंगे वोट मांगने, हम तो नहीं देंगे भाई साहब। आप लोग ये कहते हो ना कि मैं तो बिल्कुल किसी को भी ना दूं, नेता लोग